टिड्डियों का हमला अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। औरैया जनपद में आसमानी मुसीबत बनकर टिड्डियां टूट पड़ी हैं। किसानों के लिए आफत बनकर पहुंची हैं टिड्डी दल। हमले के बाद लगभग एक दर्जन गांव में टिड्डियों ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया। वहीं किसानों ने ढोल कनस्तर को जोर जोर से बजाकर टिड्डियों को भगाने का काम किया, जबकि टिड्डी दल की सूचना पर कृषि महकमा पहले से अलर्ट था, जिसके बाद देर रात दवा का छिड़काव किया गया। औरैया जिले के बॉर्डर पर पड़ने वाले गाँव में किसानों ने टिड्डी दल के इटावा पहुँचने की सूचना मिली थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही टिड्डी लाखों की संख्या में विधुना और अछलत क्षेत्र में पहुंच गई। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी पूरे स्टाफ व ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक टिड्डियों ने कई खेतों को बर्बाद कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं औरैया की, जहां पर देखिए किसानों की खेतों को किस तरीके से बर्बाद किया है टिड्डियों ने। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज की खास रिपोर्ट। जाओ भाई चलिए। औरैया जिले में भी टिड्डियों का आतंक रहा है, जहां हजारों बीघा जमीन बताया जाता है जो फसल ढेंचा या मक्का उस टाइप की थी, धान की थी, इसे बर्बाद किया है। सर किन किन गांवों में आप लोगों ने भ्रमण किया और कितने गांवों अभी तक पलायन कराया है टिड्डियों का? टिड्डियों का दल लगभग 7-8 किलोमीटर फैला हुआ था और विधुना तहसील में 8 गाँव में इसका फैलाव रहा है, जैसे बैवा हुआ, गढ़वाना हुआ, एलपी हुआ, नगला कली हुआ, नगला विधि हुआ, पदमपुरा, गुनावर, इस प्रकार से 8 गांव में टिड्डियों का दल फैला हुआ था। तो ज़्यादा नुकसान मक्का का, धान का, ढेचे का, इसका नुकसान हुआ है। सर किस तरीके से नुकसान करते हैं? ये शाम को लगभग 8 के आसपास आ गई थी, तो आने के बाद ये सब पेड़ों पर बैठ गई थी, कुछ पेड़ भी टूट भी गए हैं, तो बैठ कर रात भर उनकी पत्तियों को चख जाती है। और सुबह 8 के आसपास इनका दल उड़ना शुरू हो गया और इस समय तक लगभग जो है 80% उड़ गए हैं और ताखा की तरफ, इटावा की तरफ इनका दल चला गया। सर किस तरीके से भगाने का प्रयास किया गया था? भगाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा करके या भारत सरकार की 3 गाड़ियाँ आई थी, उसमें केमिकल मिला करके, पानी का टैंकर में केमिकल मिला करके उससे छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से उसकी टिड्डियाँ खत्म हो जाती है।